अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जन अधिकार छात्र परिषद ने सोमवार को पूर्णिया विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की। छात्र परिषद के सदस्यों ने कहा कि इसी यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े आंदोलन हुए, इस विश्वविद्यालय के छात्रों को उनकी ताकत का एहसास कराने के लिए तालाबंदी की है, यहाँ के छात्र सरकार को उनकी गद्दी से हटाएंगे। छात्र परिषद के सदस्यों ने बताया यह सरकार पैरामिलिट्री की तरह अनुकंपा, पेंशन और शहीद का दर्जा, साथ में सारी सुविधाएं जो मिलिट्री को मिलती है वह वापस लेना चाहती है। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो सैनिक मिलिट्री देश के बड़े युद्ध ऑपरेशन में भाग लेते थे, वही सिपाही 6 महीने की ट्रेनिंग करके 4 साल बाद निजी जगहों पर जाकर सेवा देंगे, जो सही नहीं है। इससे क्या देश की सुरक्षा को खतरा नहीं होगा? उन्होंने कहा कि जो आर्मी सिर्फ देश के झंडे को सलाम करते थे, वह प्राइवेट जगहों पर अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों के घर में सलामी देंगे। इस तरह से देश के जवानों के साथ यह नाइंसाफी होगी। सरकार अविलंब इस फैसले को वापस ले, नहीं तो छात्र परिषद के सभी साथी ऐसे ही अनवरत आंदोलन करते रहेंगे। यादव जी के आह्वान पे पूरे बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय सभी को बंद किया गया है अग्निपथ योजना के लिए। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक बड़ी चूक कर रही है, जो कि सेना जो कि परमानेंट होना चाहिए उनको 4 साल के लिए रख रहे हैं। 4 साल की रखने का मतलब है कि इनको फिर आगे इनसे सुरक्षा का जानकारी दूसरे जो होंगे पैसा के अभाव में ये लोग लीक करेंगे, इधर उधर करेंगे। ये सरकार की बहुत बड़ी नाइंसाफी है युवाओं के साथ। आज हम लोग पूरे बिहार में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी के आदेश पर अग्निपथ योजना जो कि आर्मी बहाली से संबंधित है, जो कि पहले की भांति इसे 4 साल के लिए कर दिया गया है, इस योजना को वापस करने हेतु केंद्र सरकार रक्षा मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज हम लोग पूरे बिहार में सभी विश्वविद्यालय बंद कर, हम लोग पूर्णिया विश्वविद्यालय को बंद कर आज बैठे हुए हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के आह्वान पे आज हम लोग बिहार के सभी विश्वविद्यालय को बंद किए हैं। केरार जो अग्निपथ जो छात्र ठोकने का कर रही है, केंद्र सरकार कहे निर्मित करके ऐसे इतना रुपया लेंगे। केरार से ये कहना चाह रहे हैं कि सेना में जो जाना चाहते हैं वो देश से प्रेम करते हैं, पैसा से प्रेम नहीं करते हैं। छात्रों को 22 साल की उम्र में इतने लाख रुपया हो जाएंगे, जो देश सेवा के लिए जाते हैं उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखती। देश सेवा दिल से होती है, और छात्रों पर जो ये अग्निपथ योजना ठोक दिया गया है उसको वापस ले, नहीं तो हम लोग रोड पर आंदोलन करेंगे। अभिषेक आनंद, शासन सचिव, जन अधिकार छात्र परिषद पूर्णिया। आज जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा पूरा बिहार में सभी विश्वविद्यालयों में तालाबंदी किया गया है। भारत सरकार के द्वारा ये जो अग्निपथ योजना लाया गया है, ये ठेके पे बहाली के मकसद से लाया गया है। आप मोदी जी बताइए हमको, आप रेलवे को प्राइवेट कर दिए, आप BSNL को प्राइवेट कर दिए, आप जब सेना को ठेका पे बहाली कर रहे हैं तो हम लोग सरकारी प्रधानमंत्री लेके ढोल बजाएंगे। जब आप सब चीज प्राइवेट ही कर रहे हैं तो हमको सरकारी प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए, सरकारी सांसद भी नहीं चाहिए। और आज पूरे बिहार में जाप सुप्रीमो माननीय पप्पू जी यादव जी के आह्वान पर विश्वविद्यालय को बंद किया गया है। विश्वविद्यालय बंद करने का एक उद्देश्य है अग्निपथ योजना जो सरकार छात्रों पे थोप दिया है उसको वापस लेने के संबंध में। आज बताइए, 3 साल NCC 3 साल होता है, NCC 3 साल करके छात्र जाएगा 4 साल का नौकरी करने। पूरे बिहार में विश्वविद्यालय सहित कई जगहों पर जो है जाप सुप्रीमो आदरणीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर बंदी किया गया है। सवाल है कि ये सरकार हमको समझ में नहीं आती है, NRC आती है तो मुसलमानों को समझ में नहीं आता है, कृषि कानून बिल लाते हैं तो किसानों को समझ में नहीं आता है, काला कानून लाता है तो देश की जनता को समझ में नहीं आता है। ये कोई भी योजना आज तक लाए हैं किसी भी जनता को आज तक समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री ला क्या रहे। 7 साल से पूरे देश को तबाह करने का काम किया है, भाईचारा को तोड़ने का काम किया है, रोजगार छीनने का काम किया है। अब बताइए, जो 4 साल ये अग्निपथ योजना किए हैं, बताइए 4 साल के बाद क्या करेंगे सर? ये संपूर्ण बिहार में सभी यूनिवर्सिटी सभी कॉलेजों में जन अधिकार छात्र परिषद, जन अधिकार युवा परिषद के द्वारा जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के निर्देश पर ये अग्निपथ काला कानून जो युवाओं पर थोप दिया गया है कि सेना के बहाली में 4 साल ही लिया जाएगा, 4 साल के बाद वो रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, उसके विरोध में जन अधिकार पार्टी संपूर्ण बिहार में आज तालाबंदी किया हुआ है। और मांग है कि ये जो 4 साल का आप नौकरी देना चाहते हैं, इससे क्या करना चाहते हैं आप? कहीं ना कहीं युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, युवाओं को क्रिमिनल बनाने का काम कर रहे हैं। 4 साल नहीं तो आप जो रुपया तो दिखा देंगे, उसके बाद वो बेरोजगार होंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे?
उनका शादी हो जाएगा, बाल बच्चा होगा, उसके बाद वो क्या करें। तो ये सवाल बड़ा सवाल है, युवाओं को बुझना होगा, युवाओं को समझना होगा। युवा सड़क पर है, युवा इस सरकार के खिलाफ अब बर्दाश्त नहीं करने वाली है। सरकार अंधा कानून है, कोई भी कानून पास करके युवाओं को थोपने का काम करते हैं। ये सरकार हिटलर शाही सरकार है, उनके मन में जो बनता है वो। सेना को आप संविदा पे बहाली लीजिएगा, सेना को आप एक निजी हाथों में बेचने का काम कीजिएगा, ये नहीं चलेगी।